नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सीताराम और आप देख रहे हैं ग्रोथ फार्मर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने गेहूं की फसल में कब 052-34 का छिड़काव कर सकते हैं। 052-34 छिड़काव करने का फ़ायदा क्या है, 052-34 छिड़काव ना करने का नुकसान क्या है, 052-34 का इसका प्राइस क्या है और ये किन किस कंपनियों का मिलता है, किन किन कंपनियों की ये आती है, इन सब के बारे में मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हर फसल की तरह गेहूं को भी चार पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। मुख्य रूप से पहला एन नाइट्रोजन, पी फास्फोरस, के पोटास और एस सल्फर। इन चार मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारी गेहूं की फसल 60 से 75 दिन के बीच में होती है, तब नाइट्रोजन हम उसे पहले ही दे चुके होते हैं और अपना जो फसल है उसकी अच्छी खासी हाइट हो चुकी होती है, उसकी बढ़िया बढ़वार काफ़ी अच्छी तरह हो चुकी होती है। जब हमारी गेहूं की फसल 60 से 75 दिन की होती है, तब उसमें फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ फास्फोरस का क्या काम है, क्या कार्य है फास्फोरस का। फास्फोरस का मुख्य काम है जड़ों का विकास करना और पोटाश के कई सारे काम है, मैं आपको बताता हूँ पोटाश का मुख्य कार्य। पोटाश का कार्य इसके रोगों के प्रति सहनशीलता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है पौधे में, गेहूं के पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और ये जस्ट अपोजिट, जैसे गर्मी के मौसम में सर्दी को और सर्दी के मौसम में गर्मियों को अपने पौधों को बचाता है। और पोटाश गेहूं के तना को भी काफ़ी मजबूत करता है, क्योंकि फरवरी मार्च महीने में थोड़ी थोड़ी हवा चलती है और जिस गेहूं के पौधे में हम लोग 052-34 का छिड़काव नहीं करे रहते हैं वो नीचे गिर जाता है, और जिस गेहूं में हम लोग 052-34 का छिड़काव करते हैं वो नहीं गिरता है। ये है उसका पोटाश डालने, मतलब 052-34 डालने का फ़ायदा और 052-34 न डालने का नुकसान। और किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, ये 052-34 जैसे कि आप 70 दिन में 052-34 का स्प्रे करते हैं तो 90 से 95 दिन तक यह काम करता है। और अगर आप 052-34 का छिड़काव करेंगे तो आपका जो गेहूं का पौधा है वो हवा, थोड़ी थोड़ी हवा से वह नीचे नहीं गिरेगा और आपका नुकसान होने से बच जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ 052-34 किस किस कंपनियों की आती है। 052-34 एरिज कंपनी की आती है, आपका इफको कंपनी की आती है, इस प्रकार से कई कंपनियों की आती है। आप कोई भी अच्छे कंपनियों के ले सकते हैं। 052-34 NPK, 052-34 N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटास। और इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है 052-34 में, 0% होता है नाइट्रोजन और 52% होता है फास्फोरस और पोटास होता है 34%, इसलिए इसको बोला जाता है 052-34 NPK। और इसकी 1 किलो की एक किलो की प्राइस की बात करें तो लगभग 200 से 230 रुपए पड़ती है और 15 लीटर पानी में लगभग 80 से 100 ग्राम डाल सकते हैं 15 लीटर पानी में, मतलब 800 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं 052-34 का अपने गेहूं के पौधे में, और इसका रिजल्ट बेहतरीन आता है, ये आपको रिजल्ट देगा ही। और ये वाटर में 100% सॉल्यूबल होता है 052-34 NPK। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें ताकि ऐसे ही एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।